जारी हुए सेंधवा में वो मकान तोड़ दिया जो मकान प्रधानमंत्री आवास के, कोई अगर पत्थर मारे या कोई किसी का मर्डर कर दे या कोई किसी को गाली दे दे तो उसका घर बुलडोज कर दे। देखिए ये तो हमारे संविधान में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप बुलडोज चला दीजिए। कोई एक ऐसा हमारे यहाँ ऐसी कोई जिसका घर टूटता है ना उसको पता चलता है। अभी खुश हैं सब, लेकिन एक बात बता दूँ, एक गलत परंपरा अगर चल जाए तो फिर वो परंपरा किसी को नहीं देखती। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और मैं इस समय दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं। और जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं कि 2017 से जिस तरह से पूरे देश में एक बुलडोजर राज चल रहा है उसको लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में देश से काफ़ी लोग आए थे और उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली के ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आए हैं, जो बुलडोजर राज चल रहा है, जिस तरह से बुलडोजर देश के गरीब वंचित शोषित समाज चाहे कोई भी हो उनके घरों पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको लेकर आप लोग प्रेस क्लब में बैठक की, ये निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो एकदम बता नहीं सकता कोई भी कि क्या निकला, लेकिन इसके देखिए कहीं भी अगर कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भारत के देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसके खिलाफ वो, उसके विरुद्ध वो अपनी आवाज़ उठाए। इस आवाज़ का क्या असर होता है ये एक दिन में तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम ये भी करना छोड़ दें तो अराजकता बढ़ती जाएगी, अन्याय बढ़ता जाएगा। तो अन्याय की तो सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और ख़ास तौर से ये जो चौथा स्तंभ है हमारा उसको तो ज़्यादा उठानी चाहिए। क्या मीडिया आवाज़ नहीं उठा रही? अब ये तो आप मीडिया के हैं, आप खुद समझते हैं कि कितनी आवाज़ उठाई गई किस चीज़ के ऊपर। अगर उठाया होता तो ये इतना बढ़ता नहीं जितना ये बढ़ गया है। पहली बार जब ये हुआ था तभी अगर मीडिया इसका अच्छे से विरोध करता तो आज ये हालत नहीं होती कि हमें बोलना पड़ता सबको। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से अगर देखा जाए देश में तो एक बीजेपी और दूसरे तरफ कांग्रेस, एक तरफ एनडीए है दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या सिर्फ एनडीए गठबंधन के राज्यों में बुलडोजर राज चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के भी राज्यों में बुलडोजर राज चल रहा है? देखिए अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी ने पहली बार बुलडोजर चलवाया था हमारे यहाँ भोपाल में। उसके बाद फिर इस परंपरा को शिवराज सिंह जी ने जारी रखा और उसके बाद में मोहन यादव सरकार जो है वो इसको जारी रखे हुए है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अछूता है इससे, जहाँ जिसको मौका मिलता है वो। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस समय जब कांग्रेस ने बुलडोजर चलाया तो कोई हाजी बाबू मस्तान था जिसे घर पर चलाया गया, बाद में जो चलाया बीजेपी ने तो कोई हाजी शहजाद है। लेकिन ये जो बुलडोजर राज है, बुलडोजर जो चलाने की प्रक्रिया है, क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? देखिए ये तो हमारे संविधान में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप बुलडोजर चला दीजिए। कोई एक ऐसा हमारे यहाँ ऐसी कोई दफ़ा बता दे, कोई हमें आर्टिकल कोई ऐसा बता दे जिसमें ये लिखा हो कि कोई अगर पत्थर मारे या कोई किसी का मर्डर कर दे या कोई किसी को गाली दे दे तो उसका घर बुलडोज कर दिया जाए। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। तो समय समय पर ये देखने को मिलता है देश में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बुलडोजर नीति चलती रहती है। हाँ अभी तो चल रही है और कांग्रेस के यहाँ तो सरकार बहुत जगह कम है, लेकिन देखा ही गया है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ कम हो रही हैं, लेकिन जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ये घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरह से आप लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक की उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा गया था तुरंत अन्याय तत्काल न्याय, लेकिन देखा जाए देश में जिस तरह से बुलडोजर राज चल रहा है, एक तबका ऐसा भी है वो बहुत खुश हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो तुरंत अन्याय हो रहा है उसको लग रहा है कि तुरंत न्याय हो रहा है, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या है कि जिसका घर टूटता है ना उसको पता चलता है। अभी खुश हैं सब, लेकिन एक बात बता दूँ, एक गलत परंपरा अगर चल जाए तो फिर वो परंपरा किसी को नहीं देखती। अगर आपका बच्चा बदतमीज़ हो जाए तो पहले पड़ोसी को गाली बकता है फिर बाद में आपको गाली बकता है। तो ये जो परंपरा चल रही है ना ये अभी ठीक है, लेकिन ये परंपरा आगे जाके अभी क्यों ठीक है? अभी ठीक इसलिए है कि आपने देखा होगा यही झारखंड में हुआ था। अभी क्या पत्थर नहीं मारे थे झारखंड में पुलिस को?
बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था, पत्थर मारे थे नहीं मारे थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर पत्थर भी नहीं मारे तब भी यहाँ हो गया। ये उसी दिन की मैंने अभी बात कही थी कि दो घटनाएं थी उस दिन। नहीं, लेकिन जो छतरपुर में जो घटनाएं हुई है, छतरपुर की दो घटनाएं बता रहा हूँ आपको, उसी दिन की, सेम डे 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो 45 लोगों के लिए जो लेटरल एंट्री के जरिए जो आईएएस की भर्ती हो रही थी। नहीं, लेटरल एंट्री को लेकर नहीं था सर, वो एससी एसटी का जो वर्गीकरण को लेकर था, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट था, और बराबर होना चाहिए ना। लेकिन छतरपुर में जो घर तोड़ा गया है, जो दमीदोस हुआ है, वो मकान 7 साल से बनना था, आपको नहीं मालूम कि लीगल है क्या इलीगल है? ये मकान एक दिन में तो बन के 20,000 स्क्वायर फीट में मकान कितने टाइम में बनता है, आपको नहीं मालूम कितने टाइम से मकान बन रहा है, इलीगल है कि इलीगल है? क्यों किसी ने नहीं कहा कि इलीगल बन रहा है ये? और फिर ये बताइए मुझे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कहीं पत्थरबाजी हुई है? इसके पहले कहीं क्या प्रोटेस्ट में पत्थर नहीं फेंके गए? इसके पहले प्रोटेस्ट में कहीं क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? हुआ नहीं है। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, आप प्रकरण दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप कोर्ट में लेकर आइए। तो कोर्ट में काहे के लिए, कोर्ट क्यों है? लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से तत्काल ये लिया जा रहा है, तो इसमें फेलियर किसका माना जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को फेलियर माना जाएगा या सरकार को, किसको माना जाएगा? देखिए, इसमें ना सरकार को फेलियर माना जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच ही नहीं रहा है, वहाँ कोई जाता ही नहीं लेकर कि हमारा मकान टूट गया है। अगर वहाँ जाकर लेकर जाए तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि छतरपुर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? जाना चाहिए, लेकिन घर तो दमीदोष हो गया। घर नहीं जाएगा तो घर के कागज़ तो जाएंगे, घर का मालिक तो जाएगा, घर तो कोई भी नहीं जाता ना। लेकिन उसके अगर वो लीगल है, उसके पेपर हैं, तो जाएगा, लगाएगा, वो कंपनसेशन मांगना चाहिए। हम गए कोर्ट, हमने कंपनसेशन मांगा और नोटिस जारी हुए, सेंधवा में वो मकान तोड़ दिया जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना था, जिसको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोन देकर बनाया गया, सरकार ने पट्टा दिया उसका, उस मकान को तोड़ा गया। तो हम गए जब न्यायालय हाईकोर्ट, जिसे जो लोग घर को बनवा रहे हैं और सरकार ने लीगल बताकर उस पर जमींदोज करा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन जो लोग बनवा रहे हैं क्या उस पर भी सरकार कोई एक्शन ले रही है? नहीं, इलीगल जहाँ भी बने उसको लेना चाहिए एक्शन। अगर इलीगल कोई चीज़ है, सरकार का अधिकार है कि उसको एक्शन ले, और लोगों को परमिशन के साथ ही बनाना चाहिए मकान। चलिए, शुक्रिया। ठीक, तो ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जिस तरह से पूरे देश में जो बुलडोजर प्रक्रिया है वो चल रही है, इसकी शुरुआत 2017 में होती है और आज पूरे देश में कहीं ना कहीं बुलडोजर राज सबके जुबा पे देखने को मिल रहा है।